Good morning, students. I'm Priyanka from the Wisdom School, Sirsa. How are you, students? I hope you all are fine. So, students, देखिए जो last video में मैंने आपको class 4th में हमारा जो चल रहा था book अलंकृत में हिंदी व्याकरण के हमारे हमने दो part किए थे. एक तो किया था हमने वर्ण, वर्णमाला और मात्रा, और एक सब जो पहला part है वो है भाषा. तो आज हम बेटे हम अपनी book जो हमारी reader है हिंदी की नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास फोर्थ. अब देखिए हम आज ये स्टार्ट करेंगे. अब इसमें जो नंबर एक कविता दी हुई है, अगर ये पल जाते यहीं ठहर, देखिए मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, अगर ये पल जाते यहीं ठहर. तो स्टूडेंट्स आज हम ये करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आज हमारी है नंबर एक कविता, अगर ये पल जाते यहीं ठहर. तो देखिए अब इसमें कुछ बातें पूछी हैं हमसे, तो देखिए हम इसे रीड करते हैं. आपको क्या क्या काम करना पसंद है? अब बच्चों ये वो बताना है जो आपको कोई, जैसे आपको कुछ काम करने पसंद होते हैं तो आपने वो बताने हैं. आपको सबसे अच्छा कब लगता है? अब आपके पास अब कोई ऐसा आपको पल होता है जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आपने बताना है. एंड आप कौन सा काम बार बार करना चाहते हैं? बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कोई काम ऐसा होता है कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उस काम को आपको बार बार करना अच्छा लगता है और आप चाहते भी हैं कि हम उस काम को बार बार करें. तो अब कौन सा काम है ये बच्चों, आप मुझे जब हम मिलेंगे तब आप मुझे जरूर बताइएगा. तो अब देखिए इसमें क्या है. इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि बचपन जीवन का सबसे सुहाना समय होता है. यह जब यह बीत जाता है तो तब सब इसे याद कर सोचते हैं कि यह न बीतता तो कितना अच्छा होता. कवि बचपन के किस किस क्षण को ठहरने को कहते हैं और यह कविता पढ़कर जानिए. अब देखिए इस प्रस्तुत कविता में जो हमारे कवि हैं वो अपने एक बचपन के बारे में, बचपन की कल्पना कर रहे हैं. जो हमारे कवि हैं, देखिए ये कौन है हमारे कवि, भगवती प्रसाद द्विवेदी. तो ये है जो हमारे कवि हैं और वो बचपन के बारे में कल्पना कर रहे हैं. तो आइए देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है हमारे इसमें कविता में. देखिए, पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यहीं ठहर. अब देखिए जो हमारे पर्वत हैं, जो नदी है, वो उन्हें नदी नहर, हम उनको देखकर, हम जैसे जब हम बचपन में हम इन्हें देखते थे कि जो पर्वत पहाड़ झरना जो नदी है नहर है, कि ऐसे हम देखते थे कि बचपन में खुश होते थे इन्हें देखकर कि काश कि जीवन जाता यहीं ठहर. अब देखिए, कभी तितलियों के संग उड़ना बुलबुल जैसा गाना. अब देखिए हम बचपन में क्या करते हैं कि कभी तितलियों के सब, जब तितलियां आती हैं हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहां जहां वो जाती है, जिस डाल पे जाती है, फूलों पे जाती है, हम उनके पीछे पीछे भागते हैं. बुलबुल जैसा गाना मतलब हम गाने भी लगते हैं कि कैसे हम एकदम अपने बचपन में अपनी धुन में ही गाते हैं. कभी फुदकती गोरैया से, अब देखिए कभी फुदकती गोरैया, गोरैया एक चिड़िया होती है, जो चिड़िया होती है वो चींची करती है और उड़ती है. और कभी फुदकती गोरैया से घुल मिल कर बतियाना, जब गोरैया मतलब चिड़िया जब चींची करती है, अपने पंख फड़फड़ाती है, तो घुल मिलकर हम उसके साथ भी, हम अपने बचपन में क्या करते हैं कि हम भी उनके साथ चींची चींची करने लग जाते हैं, उनके साथ बातें करने लगते हैं. तो ऐसे हम बचपन में किया करते हैं. लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर. अब देखिए कितने अच्छे से कह रहे हैं कवि कि लग जाते पैरों में पर. देखिए ऐसे हम उड़ते कि जैसे मानो हमारे पैरों में पर लग गए हों, और ये पल जाते, काश कि ये पल जाते यहीं ठहर. अब कवि ये कह रहा है कि काश कि ये पल हमारे यहीं जाते ठहर. कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना. देखिए बच्चों, हम जब हम बचपन में पतंग उड़ाते थे तो एक दूसरे की पतंग कट जाती थी, तब हम जो पतंग कटती थी हम उसे लूटने के लिए हुड़दंगी दौड़ लगाते थे. हुड़दंगी मीन्स हम तेज भागते थे. आगे देखिए, आंधी में दौड़ दौड़ कर बगिया से आम चुराना.
देखिए स्टूडेंट्स, आंधी आंधी आने के बाद, जब आंधी आती थी तो आंधी आने के बाद बागों में जो आम के बाग थे, हम आम उधर वहां जाते थे और वहां दौड़ कर जाते थे और वहां हम आम चुराते थे और देखते थे कि आंधी आने के बाद फल गिर गया होगा, मगर लकड़ सुंगवा का डर भरमाते क्षण यही ठहर। अब देखिए, मगर लकड़ सुंगवा का डर, लकड़ सुंगवा बच्चा होता है लकड़ी का पुतला, इसके डर से और इसके भ्रम से हमें यही डर रहता था कहीं ये हमें पकड़ न ले और कहीं हम यहाँ ठहर ना जाएं। अब देखिए, जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना। अब देखिए बच्चों, हम बचपन में क्या करते थे, जब जानबूझकर भीग भीग कर बारिश में खूब, जब बारिश आती थी तो हम जानबूझकर उसके नीचे जाना, भीग जाना और हमने खूब नहाना। आगे देखिए, इधर उछलना उधर फिसलना, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए स्टूडेंट्स। इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघ चहर शहर शहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। अब देखिए हम क्या करते थे, कभी इधर जब बारिश आती थी तो जानबूझकर हम भीगते थे और नहाते थे और कभी इधर फिसलते थे, कभी उधर फिसलते थे। और बस्ता ले, बस्ता होता है बच्चों जो हमारा बैग होता है, बस्ता ले गिर जाना, हमें ये भी नहीं होता था कि हमारे पास बस्ता है तो हमने उसका ध्यान रखना है, नहीं, हम वहीं बारिश में ही नहाने लग जाते थे। आगे देखिए, बरसे मेघ चहर चहर चहर, चहर होता है बिखर बिखर कर, मतलब जब मेघ, जब बादल बरसता था जैसे बिखर बिखर कर, बरसाती दिन यही ठहर, कि काश, कि हम बचपन में यही सोचते थे कि काश ये बरसाती दिन यही ठहर जाते या यही रुक जाते। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक, आप निशान लगा लीजिए अपने, जो ये नेक्स्ट के दो पैरे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये यहीं तक है। तो देखिए, जो मैंने आपको ये कुछ ये शब्दार्थ हैं ये आपके दिए हुए जो हमारे आए हैं, इसमें एक पर्वत, फुदकना, हुड़दंग, चहर चहर, ये जो हमारे आए हैं ये फोर जो है हमारे शब्दार्थ आए हैं, ये आपने इसे राइट करने हैं और इसे लर्न करने हैं और आपने इस कविता को अच्छे से रीड करना है और इसे समझना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टैंजा के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट पैरे के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।